उदाहरण इस प्रकार है इस उदाहरण में यह बताया गया है कि एक गणितज्ञ है जो कि हमेशा पाइप का धूम्रपान करता है और वो उन पाइप को जलाने के लिए अपने दोनों जेबों में दो माचिस की डिबिया रखता है एक जेब में और एक जेब में और जब भी उसे ना पाइप जलाना की आवश्यकता होती है तो वो वह माचिस की डिब्बी जो है दोनों जेब से समसंभावी रूप से निकालता है और ये माना गया है कि वह माचिस जो है एक बार में जला लेता है उस पाइप को और उसके बाद वो माचिस को वापस रख देता अब इस बात की कल्पना कीजिए कि गणतक को पहली बार यह पता चलता है कि उसकी एक माचिस की डिब्बी खाली है अर्थात वो किसी भी एक जेब में अपना हाथ डालता है पाइप चलाने के लिए और वो देखता है कि उसमें माचिस की तीलियाँ ख़त्म हो चुकी हैं या माचिस की डिब्बी खाली है तो यह मानते हुए कि आरंभ में दोनों माचिस की डिब्बियों में इन तीलियाँ थीं तो इस बात की प्रायिकता क्या होगी कि जब उसे पहली बार ये पता चलता है कि उसकी एक माचिस की डिब्बी खाली है तो दूसरी माचिस की डिब्बी में सटीक के तीलियाँ होंगी जहाँ के का मान आप समझ ही सकते हैं चूंकि माचिस की डिब्बियों में ज़्यादा से ज़्यादा इन तीलियाँ हो सकती हैं तो उसका मान शून्य से लेकर एन के बीच में ही होगा तो इस प्रश्न में हमें ये पूछा गया है कि इस बात की प्रायिकता क्या होगी कि उसकी दूसरी माचिस की डिब्बी में सटीक के तीलियाँ ही बची हैं तो आप जैसा देख सकते हैं कि इसमें बहुत सारे इस प्रश्न को समझने के लिए हम दो तीन प्रायिकताओं के योग से ये प्रश्न निकाला जाएगा आइए इसके हल की व्याख्या करें सो पहले तो हम ये देखते हैं कि मान लीजिए ई वह घटना को दर्शाता है जब गणितक को पहली बार यह पता चलता है कि उसके दाएं हाथ की माजिस की डिब्बी खाली है दो प्रश्न में कैसे कुछ भी नहीं कहा गया है लेकिन हमें प्रश्न बहुत साधारण स्थिति को व्याख्या करते हुए लिखा है इसलिए हम इसको और सुव्यवस्थित ढंग से व्यक्त करते हैं कि गणितज्ञ को पता चलता है पहली बार कि उसके दाएं जेब की माचिस की डिब्बी खाली है और उसके बाएं हाथ की माचिस की डिब्बी में उसमें के बचते बचती हैं ये हम निकालना है इस घटना को अगर हम इसे विष्ट करें और इंगित करें तो उपरोक्त घटना तभी होगी जब दाएं हाथ की माचिस की डिब्बी को इन धन एक बार चुना गया है क्यों चूँकि गणतक को पहली बार पता चला कि उसके दाएं हाथ की माचिस की डिब्बी खाली है तो उसने सारी तीली को इस्तेमाल करने के लिए उस डिब्बी से इन बार उसको चुना ही होगा और उसने पुनः चुना जिसमें कि उसे खाली डिब्बी मालूम हुई यहाँ पे यह मान के चल रहा है कि जिस समय वो माचिस की तीली निकाल रहा था एनवी माचिस की तीली वो गणितज्ञ है वो किसी समस्या के हल में हमेशा जूझता रहता है तो उसे अपनी परिस्थितियों का स्थितियों का बहुत सटीक ज्ञान नहीं होता तो वो माचिस की तीली अगर उसे निकाल लेता है तो उसे ये नहीं पता चलता कि उसकी माचिस की डिब्बी खाली है वो वापस अपनी उस माचिस की डिब्बी को अपनी जेब में रख लेगा ये मानते हुए कि इसमें से एक तीली और अगली बार निकलेगी मैंने वो देख नहीं रहा है ये माता है कि वो कहीं किसी और कार में व्यस्त है और उसका ध्यान इन सब छोटी छोटी चीज़ों में नहीं तो इसका मतलब कि अगर वो खाली डिब्बी निकालता है तो उसने उस डिब्बी में से को पिछले एन बार जरूर चुना होगा जिसमें कि उससे एक एक तिलियाँ निकाली होगी इसलिए घटना तभी होगी कि दाएं हाथ की डिब्बी खाली है जबकि दाएं हाथ की माचिस की डिब्बी को ईंधन एक बार चुना गया होगा गणित के द्वारा चुना गया होगा और यह उसके लिए उसने और अब यह बताया हुआ है कि उसकी बाएं हाथ की डिब्बी में अगर के बची हैं तो उसने इसका मतलब बाएं हाथ की डिब्बी को भी कम से कम इन ऋण के बार जरूर उन्हें चुना होगा जो इस प्रक्रिया में चूंकि इसका मतलब कुल उसने एन धन एक धन एन ऋण के प्रयासों के बाद यह पाया होगा कि उसकी दाएं हाथ की डिब्बी खाली है और बाएं हाथ की डिब्बी में की तिलियाँ हैं क्यों ऐसा हुआ क्योंकि दोनों माचिस की डिब्बी में शुरुआत में आरंभ में एन ही कैपिटल एन ही तिलियाँ रहती हैं तो यह प्रायिकता गणित करना बहुत आसान है इतनी व्याख्या के बाद तो हमें ये पता है कि घटना ई होने की प्रायिकता एक ऋणात्मक द्विपद या चक्षर है क्योंकि यहाँ पे हम क्या चाह रहे हैं आप याद करिए हमने जो समीक्षा करी थी उसमें पुनरावकुल बताया था एक याचिक चर जिसको कि हम ऋणात्मक द्विपद बोलते हैं वह तब प्रयोग में आता है जब हम कोई निश्चित संख्या की सफलताओं की कुल प्रयासों में चाहते हैं और हम ये यह चाहते हैं कि वह प्रयास की संख्या क्या है जब तक हमें कोई निश्चित आर सफलता मिल रही हो जो कि कुल प्रयोग एन है तो ये इसलिए हम यहाँ पे इस ऋणात्मक द्विपद याचिक चर का उपयोग करके इस प्रायिकता का गणन करेंगे और जैसा कि हमें पता है आप पूर्व पटल में देख सकते हैं कि इस याचिक्चर के जो प्राचल होते हैं उसमें पी पी चूँकि यहाँ पे किसी सफलता की प्रायिकता है चूँकि यहाँ पे दोनों माचिस की डिब्बिया में जिनको वो चुनेगा तो उसकी प्रायिकता चूंकि दोनों के समसंभावी हैं तो वो प्रायिकता एक पटा होगी और जो हमें इच्छित सफलताएं हैं वो आर से इंगित की जाती हैं उस चर के प्रायिकता दरम्यान फलन में तो वह संख्या इस समस्या के अनुसार एन धन एक होती है चूंकि एन तिलियाँ खत्म हो गई हैं में और जो कुल प्रयास है, हमने ऊपर निकाल ही रखा है और उनका मान होगा दो एन ऋण के धन एक जो कि ऊपर के को हमने थोड़ा उसको संकुचित कर दिया है तो इस प्रायिकता को आप इतनी गणना करने के बाद आप इन प्रायिकता को बड़े आसानी से लिख सकते हैं ऋणात्मक द्विपद याचिक चर के प्रायिकता दर्मान फलन के माध्यम से जो कि इस प्रकार होता है जो ये बताता है कि यह प्रायिकता हम उस तरह से लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे सफलता और असफलता की प्रायिकता दोनों बराबर हैं इसलिए यह सरलीकृत होकर आप देख सकते हैं यह पद इस प्रकार लिखा जा सकता है अब मैं इसकी व्याख्या नहीं कर रहा हूँ कि यह इसको आप आसानी से ही समझ सकते होंगे अब यह तो हमने इस प्रश्न का हल नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे हमने ये जो घटना मानी थी उसमें यह माना था कि गणितक को पता चलता है उसके दाएं हाथ की माचिस की डिब्बी खाली है लेकिन प्रश्न में तो हमें ऐसा कुछ नहीं बताया गया कि उसे कौन से हाथ की माचिस की डिब्बी खाली मिलती है हमें तो बोला गया उसे एक माचिस की डिब्बी खाली मिलती है तो उसकी दूसरी माचिस की डिब्बी में केतीली होने की प्रायिकता बताई तो यह प्रायिकता पूर्ण नहीं है इसके कुछ और घटक हो सकते हैं वह इस बात के हो सकते हैं कि क्या अगर बाएं हाथ की मच भी खाली हो और दाएं हाथ में अगर के बची हो ये भी तो एक संभावना हो सकती है तो यह जरूर हम उस संभावना को भी इसमें सम्मिलित कर लेंगे तब हम इच्छित प्रायिकता प्राप्त कर सकते हैं तो वह वह भी समस्या जो हमने अभी व्याख्या की है उसी के अनुरूप होगी तो वह प्रायिकता गणितीय रूप से बराबर आएगी इसलिए हम इस उच्छित प्रायिकता को पूर्व में निकाली हुई प्रायिकता घटना ए की प्रायिकता को दो से गुणन करके प्राप्त कर सकते हैं और वो दो से गुणन करने के बाद वो पद जो है और छोटा चो, होकर आप देख सकते हैं जो एक बटा दो एक घात जो है वह घात में आप देख सकते हैं कि वह घात में एक हमने कम कर लिया और इस तरह इस प्रायिकता का मान आपके सामने रहे तो आपने ये देखा कि हमने इस प्रश्न में एक विशिष्ट प्रकार के अस्त यात्री चर जिसको कि हम ऋणात्मक द्विपद या चिकचा कहते हैं का इस्तेमाल